हेलो गाइस, वेलकम टू एसक्यूएल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी सीरीज। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल जॉइन और जॉइंस के टाइप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जॉइंस क्या होते हैं और हम इसे किस चीज के लिए यूज करते हैं। तो जब भी हमें दो या दो से ज्यादा टेबल्स को ज्वाइन करके कोई रिजल्ट फाइंड आउट करना हो, मतलब कि ऐसा रिजल्ट फाइंड आउट करना है जो मुझे किसी एक टेबल से नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो टेबल एग्जिस्ट करते हैं, एक है कोर्स टेबल और सेकंड है स्टूडेंट टेबल। तो जो कोर्स टेबल है, इसमें मेरे पास फील्ड है कोर्स आईडी, कोर्स नेम और ड्यूरेशन। जो यहाँ पे कोर्स आईडी है, ये मेरे पास इस टेबल की प्राइमरी की है। ऐसे ही मेरे पास स्टूडेंट टेबल में जो है फील्ड है आईडी, नेम, एड्रेस और कोर्स आईडी। जो यहाँ पे आईडी है, ये इस टेबल की जो है प्राइमरी की है, और जो कोर्स आईडी है, ये मेरे पास इस टेबल की फॉरेन की है। जो मैंने ये फॉरेन की जो है, ये इस टेबल की प्राइमरी की का जो है वो रेफरेंस लिया हुआ है। मैंने फॉरेन की और प्राइमरी की पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी शेयर किया हुआ है। तो आप उस वीडियो की हेल्प से समझ सकते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में। तो जो कोर्स टेबल है, तो मैं कोर्स टेबल से सिंपल कोर्स रिलेटेड डाटा जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे ऐसे रिकॉर्ड देखने हैं जिनका कोर्स नेम जो है वो वेब डिजाइनिंग हो, तो मैं सिंपल लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स वेयर कोर्स नेम इक्वल्स टू वेब डिजाइनिंग। तो ये क्या करेगा, मुझे सिंपल वो रिकॉर्ड शो कर देगा जो इस टेबल में जिनके लिए कोर्स नेम जो है वो वेब डिजाइनिंग होगा। और जो स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल से मैं ओनली स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा निकाल सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे वो रिकॉर्ड देखने हैं स्टूडेंट टेबल में जिनका नेम जो है वो राहुल हो, तो मैं सिंपल क्या करूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम मेरा स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल्स टू राहुल। तो इससे मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, इससे मुझे मिल जाएगा कि जो भी राहुल से रिलेटेड डाटा होगा स्टूडेंट टेबल में वो फाइंड आउट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए मुझे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का डाटा पिक करना है जिन्होंने जो है डाटा साइंस कोर्स में जो है एडमिशन लिया है, तो मैं ये कैसे फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा जो है वो स्टूडेंट टेबल में है और कोर्स से रिलेटेड डाटा जो है वो कोर्स टेबल में है। तो ऐसी कंडीशन में हम जॉइंस का यूज़ करेंगे। मीन्स जॉइन का यूज़ हम इसीलिए करते हैं कि हम दो या दो से टेबल्स को ज्वाइन कर सकें और रिक्वायर्ड डाटा जो है वो पिक कर सकें जो हमें सिंगल टेबल से जो है वो नहीं मिल पा रहा है। जॉइंस का यूज़ करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी टेबल हमें ज्वाइन करने हैं एक दूसरे के साथ, उनमें जो है कॉमन कॉलम जो है वो होना चाहिए। जैसे इस टेबल में कोर्स आईडी है और इस टेबल में भी कोर्स आईडी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। मींस हम इन दोनों कॉलम्स की हेल्प से जो है इन टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्राइमरी की और फॉरेन का यूज़ हम इसीलिए करते हैं कि हम इन दोनों कॉलम्स की हेल्प से जो है जॉइंस का यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे SQL joins की डेफिनेशन भी यही है, ए join clause is used to combine row from two or more table based on related column between them। और joins के जो है different type होते हैं, जैसे inner join, left join, right join और full join। तो आज की इस वीडियो में inner join के बारे में डिस्कस करेंगे और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम left, right और full joins के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम inner join की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो inner join की डेफिनेशन है, द इनर जॉइन कीवर्ड सेलेक्ट रिकॉर्ड डेट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल्स। मीन्स इनर जॉइन जो है वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करता है जो दोनों टेबल्स में कॉमन हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो टेबल हैं, टेबल वन एंड टेबल टू। तो जो भी टेबल वन और टेबल टू में कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे, इनर जॉइन जो है वो सिलेक्ट करता है। जैसे मेरे पास दो टेबल हैं, कोर्स टेबल और स्टूडेंट टेबल। तो सबसे पहले हम जॉइन यूज करने से पहले देखते हैं कि इन दोनों टेबल्स में कॉमन कॉलम कौन सा है। तो इन दोनों में जो है कोर्स आईडी कॉमन है। मींस कोर्स आईडी कोर्स टेबल में भी है और कोर्स आईडी स्टूडेंट टेबल में भी है। तो मींस इस विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलम हम जो है इनर जॉइन का यूज कर सकते हैं। तो इनर जॉइन जो है मैंने जैसे बताया कि ये कॉमन डाटा जो है वो हमें देता है दोनों टेबल्स में जो भी होगा। तो कॉमन डाटा कैसे, जैसे कोर्स आईडी यहाँ पे 1 है, ऐसे ही कोर्स आईडी यहाँ पे भी 1 है, कोर्स आईडी 2 यहाँ पे भी है, कोर्स आईडी 2 यहाँ पे भी है, कोर्स आईडी 3 यहाँ पे है बट कोर्स आईडी 3 यहाँ पे नहीं है, और कोर्स आईडी 4 यहाँ पे है, कोर्स आईडी 4 यहाँ पे भी है। मींस कोर्स आईडी 3 जो है वो दोनों में कॉमन नहीं है। तो मींस इनर जॉइन जो है हमें इस आईडी के लिए जो है वो रिकॉर्ड नहीं शो करेगा। मींस ये हमें ओनली 1, 2 और 4 आईडी के लिए जो है वो रिकॉर्ड शो करेगा। तो ऐसे जो है इनर जॉइन हमें कॉमन रिकॉर्ड्स के लिए डाटा जो है वो शो करता है।
इनर जॉइन का सिंटैक्स है सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन इनर जॉइन टेबल टू ऑन टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल्स टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम। कॉलम नेम में जो है वो कॉलम नेम आएंगे जो हमें सेलेक्ट करने हैं दोनों टेबल में से, टेबल वन और टेबल टू में। टेबल वन में जो है मेरा टेबल नेम जो भी होगा वो, टेबल टू जो भी टेबल टू होगा वो, और यहाँ पे कॉलम नेम वो आएगा जो दोनों टेबल्स में कॉमन होगा। मीन्स जो जैसे कि मैंने अभी स्टूडेंट उसमें बताया तो उसमें कोर्स आईडी जो है वो कॉमन थी, तो यहाँ पे टेबल वन में जो भी उस कॉलम का नेम होगा इक्वल टू टेबल टू जो भी टेबल टू में उस कॉलम का नेम होगा वो यहाँ पे। तो अब हम कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं अपने डाटाबेस में कि कैसे हम इनर जॉइन का यूज कर सकते हैं और कैसे हमें आउटपुट शो करेगा। तो ये मैंने डीबीवर में पोस्टग्रेस के लिए लोकल कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है, और अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे हम लोकल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं डीबीवर में पोस्टग्रेस के लिए, तो मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी शेयर किया हुआ है, तो आप उस वीडियो की हेल्प से समझ सकते हैं कि कैसे हम लोकल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इस लोकल कनेक्शन की हेल्प से जो है आप अपनी एसक्यूएल की प्रैक्टिस जो है वो इजीली से कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पब्लिक स्कीमा में जो है कुछ टेबल है यूज करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ कोर्स और स्टूडेंट टेबल से हम समझते हैं कि कैसे हम ज्वाइंस का यूज कर सकते हैं और कैसे इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करके डाटा जो है वो गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट टेबल में डाटा चेक करते हैं किस टाइप का डाटा जो है इस टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो इसमें जो है कोर्स आईडी, कोर्स नेम और ड्यूरेशन नाम की फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। मैं इसका डाटा जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ मेरे स्टूडेंट टेबल में डाटा किस टाइप का डाटा उस टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो इसमें मेरे पास आईडी, नेम, एड्रेस और कोर्स आईडी नाम की फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। अब मैं इसके लिए डाटा जो है कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो जब भी हमें किन्हीं दो टेबल्स को ज्वाइन करना है तो उनमें जो है कोई कॉमन कॉलम जो है वो होना चाहिए, जैसे कोर्स टेबल और स्टूडेंट टेबल में जो है कोई कॉमन कॉलम जो होना चाहिए। तो इनमें कॉमन जो है कॉलम है वो है कोर्स आईडी। कोर्स आईडी इस टेबल में भी एग्जिस्ट करती है और इस टेबल में एग्जिस्ट करती है। तो मैं इस कॉमन कॉलम की हेल्प से जो है इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो अब हम इन्हें इनर ज्वाइन की हेल्प से जो है इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये इनर ज्वाइन क्या करेगा, ओनली कॉमन आईडी के लिए जो है वो रिकॉर्ड हमें शो करेगा, जो भी जैसे कोर्स आईडी वन इन दोनों में कॉमन है तो इसके लिए भी रिकॉर्ड देगा, टू भी कॉमन है तो टू के लिए भी रिकॉर्ड देगा, थ्री जो है यहाँ पे कॉमन नहीं है तो मीन्स थ्री के लिए नहीं रिकॉर्ड देगा, फोर के लिए जो है हमें रिकॉर्ड शो करेगा। तो इनर ज्वाइन के लिए सिंटैक्स जो है सिंटैक्स है वो है सिलेक्ट कॉलम नेम, जो भी सिलेक्ट हमें कॉलम नेम करने हैं वो, फ्रॉम टेबल वन जो भी टेबल वन है होगा, इनर ज्वाइन टेबल टू ऑन टेबल वन, टेबल वन और टेबल टू में जो भी कॉमन कॉलम होगा वो यहाँ पे। मैं इसके अकॉर्डिंग जो है अपनी क्वेरी लिखता हूँ। अभी मैं कॉलम मुझे जैसे सिलेक्ट करने हैं, अभी मैंने स्टार लिखा है अभी यहाँ पे, मैं फिर मैं लिखूंगा फ्रॉम टेबल वन। टेबल वन जैसे कुछ भी ले सकते हैं, या कोर्स या स्टूडेंट, कोई भी टेबल जो है हम टेबल वन उसे मान सकते हैं। जैसे मैंने पहले मान लिया कोर्स टेबल को टेबल वन, फिर मैंने लिखा इनर ज्वाइन, फिर मैं टेबल टू, टेबल टू है मेरा स्टूडेंट। अब मैं लिखूंगा ऑन, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे कोर्स टेबल नेम में क्या कॉलम है मेरे पास, कोर्स आईडी। फिर मैं लिखूंगा इक्वल्स टू स्टूडेंट टेबल में क्या ना, कौन सा वो कॉलम नेम है मेरे पास, वो है कोर्स आईडी मीन्स सी आई डी। अब मुझे यहाँ पे जैसे कोर्स लिखना पड़ा यहाँ पे टेबल नेम, इसके लिए भी टेबल नेम लिखना पड़ा, तो मैं इसकी बजाय यहाँ पे इनको नेम भी दे सकता हूँ। जैसे कोर्स को मैंने टेबल अलियास कर दिया ए के नाम से और इसको नाम कर दिया बी के नाम से, तो अब मैं सिंपल यहाँ पे ए और बी जो है वो यूज कर सकता हूँ। इन सिंपल मैंने इनको अलियास कर दिया कि कोर्स नेम जो है उसका नेम ए है, कोर्स बी जो है उसका नेम बी है। तो अब यहाँ पे मुझे टेबल नेम की बजाय मैं सिंपल ए और बी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो अब मुझे चेक, जैसे अगर मैंने स्टार डाल दिया तो ये मुझे कोर्स और स्टूडेंट टेबल के सभी फील्ड जो है वो शो कर देगा। जैसे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे इसने मुझे तीन रिकॉर्ड दिया टोटल, किस, एक कोर्स आईडी वन टू और फोर के लिए,
क्योंकि यही दो तीनों आईडी जो है यहाँ पे कॉमन है, कोर्स आईडी 3 जो है वो यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो अब जैसे कोर्स आईडी 1, तो कोर्स आईडी 1 के लिए मेरे पास डाटा साइंस और 1 ईयर है, तो इसने डाटा साइंस 1 ईयर दिया। और कोर्स आईडी 1 के लिए यहाँ पे मेरे स्टूडेंट टेबल में 101 राहुल, राहुल दिल्ली और 1, दिल्ली और 1, तो इसने यही दिया। तो अब जैसे कोर्स आईडी 2, अब इस क्योंकि कोर्स आईडी 2 भी दोनों में कॉमन थी, तो इसलिए कोर्स आईडी 2 के लिए रिकॉर्ड जिसने शो किया, कोर्स आईडी 2 के लिए यहाँ 2 डाटा एनालिटिक्स 1 ईयर, तो डाटा एनालिस्ट 1 ईयर। और यहाँ पे आईडी 2 के लिए इस पे यहाँ पे कौन सा रिकॉर्ड है, 102 रवि नोएडा, तो यार 102 रवि नोएडा। तो अब आईडी 4 के लिए है वेब डिजाइनिंग 1 ईयर, तो यहाँ पे आईडी 4 के लिए दिया आईडी 4 वेब डिजाइनिंग 1 ईयर। और यहाँ पे आईडी 4 के लिए है 103 सागर कोलकाता, 103 सागर कोलकाता। तो ऐसे जो है हम ज्वाइन की हेल्प से जो है दो टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ज्वाइन जो है हमारे पास होते हैं। तो इस वीडियो में हमने समझा कि इनर ज्वाइन के बारे में, तो इनर ज्वाइन जो है ओनली हमें कॉमन रिकॉर्ड जो है वो शो करता है। कुछ और एग्जांपल के हेल्प से हम समझते हैं इनर ज्वाइन के बारे में। जैसे मान लीजिए मैं एक और स्टूडेंट टेबल में जो है रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया जिसके लिए आईडी 104 थी, नेम इसका नीरज था, एड्रेस इसका बैंगलोर था, और कोर्स आईडी इसके लिए 4 थी। तो मैं स्टूडेंट टेबल में जो है डाटा चेक करता हूँ, तो ये जो है रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट हो गया है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ अब 104 नीरज, बेंगलोर, और यहाँ पे आईडी 4। तो अब मुझे रिकॉर्ड अभी जैसे मैं अभी यही स्टेटमेंट जो रन करता हूँ क्वेरी अपनी, तो अब मुझे कैसे रिकॉर्ड देगी अब हम ये देखते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो अब इसने यहाँ पे आईडी 4 के लिए जो मुझे 2 रिकॉर्ड दिए, क्योंकि आईडी 4 यहाँ पे ये यहाँ पे सिंगल है, बट यहाँ पे 2 टाइम है, जैसे ये वाली और ये वाली, तो इसने इन दोनों आईडी के लिए जो है वो रिकॉर्ड शो किया। मीन्स यहाँ पे इसने इसके साथ मैच किया तो ये मैच हो गया, फिर इस आईडी ने इसके साथ भी मैच किया तो इसके लिए भी रिकॉर्ड इसने शो किया। तो ऐसे जो है हम इनर ज्वाइन का यूज कर सकते हैं कॉमन डाटा कलेक्ट करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।